गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 4.4। सबसे पहले बच्चे इसका फर्स्ट सम की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। मैंने जैसे कि पहले भी बताया हुआ था कि हमें कई बार जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उससे ही सम को सॉल्व करना होता है, पर सम की स्टेटमेंट आपको कई बार होता है कि उसी एक्सरसाइज में से दे दी गई होती है, पर ऊपर एक छोटा सा एक उन्होंने टॉपिक लिख दिया होता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स पता करने के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था नेचर ऑफ द रूट्स, आज मैं फिर से उसके स्टेप्स जो है यहाँ लिख दिए हैं कि व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल और डिफरेंट जो है, रियल उसकी नेचर है कि रूट्स आर रियल, और रूट्स रियल होंगे तो एग्जिस्ट करते हैं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, जब रूट्स रियल होंगे तो एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज रूट्स जब रियल नहीं होते तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमारा जो सम है वो वहीं का वहीं रहता है, आगे सम हम सॉल्व नहीं करते। रूट्स रियल है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, पर रूट्स की जो दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पहले भी बताया था, जब किसी जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री हो उतनी ही उसकी जो है रूट्स निकलते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर जो है या डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है वो 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब उसके कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। तो वो रूट्स जो निकलेंगे एंड डिफरेंट, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा रूट्स रियल होंगे, एग्जिस्ट होंगे, पर उन दोनों रूट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। और सेम ऐसे ही व्हेन डी इक्वल टू जीरो है, जब डी की वैल्यू उसको सॉल्व करने के बाद जीरो के इक्वल आ जाती है तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है, एग्जिस्ट भी करते हैं, पर जो दोनों वैल्यूज होंगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल। और ऐसे ही व्हेन डी इज लेस देन जीरो, मतलब डी जो है लेस देन जीरो होगा, डी जीरो से छोटा होगा, छोटा मतलब डी की जब आप यहाँ ऐसे करके वैल्यू निकालोगे उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है कोई भी जो माइनस वाला नंबर होता है वो लेस देन जीरो होता है, तो क्या लिखते हैं हम, रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स रियल ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। अब जैसे उन्होंने मेरे को नेचर ऑफ द रूट्स पूछा था, तो नेचर ऑफ द रूट्स हम कहाँ से पता करते हैं, डी की वैल्यू से। रियल और नॉट रियल उसकी नेचर है, ये हमने पहले बताना होता है, तो फिर आगे सम सॉल्व करेंगे। उन्होंने बोला है कि इफ रियल होगी उसकी नेचर तो आगे आपने सम को सॉल्व करना है। ऐसे मैंने जैसे इस एक्सरसाइज का सम नंबर 1 के एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 3x² - 5x + 2 = 0। अब मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। इसका कंपैरिजन करेंगे हम अपनी स्टेटमेंट के साथ, ए की जगह पे क्या आएगा 3, तो ए इक्वल टू 3, तो बी की जगह पे क्या आ गया -5, बी की वैल्यू क्या आ गई -5। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, सी क्या है आपके पास 2, तो सी कितना आ गया 2। अब डी निकालेंगे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, देयरफॉर डी का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये उसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में बी की जगह क्या आ गया मेरे पास -5 का स्क्वायर, आगे माइनस ये फॉर्मूले में था 4, यहाँ मैंने 4 लिख लिया, ए की जगह पे क्या है 3, तो 3 आ गया, और सी की जगह पे क्या है 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और यहाँ 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 2 क्या आ गया 24, और 25 में से बीच में माइनस का साइन है, तो 25 में से 24 को जब माइनस करूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा 1। तो 1 > 0, 1 क्या है 0 से बड़ा। तो अब पहले मैं इसकी नेचर लिखूंगी, देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन जीरो, कि डी की जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स रियल भी है कि उनकी नेचर क्या है रूट्स की, मैंने उनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि रूट्स क्या है रियल, और कैसे रूट्स निकलेंगे, अगर ग्रेटर देन है तो साथ में क्या आएंगे डिफरेंट, जहां मैंने लिखा था। अब रूट्स निकालने के लिए, और साथ में मैंने यहाँ ये भी लिख लिया कि रियल रूट्स आर एग्जिस्ट और पॉसिबल। अच्छा, एक बार बच्चे कई बार क्या होता है कि जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन एग्जिस्ट की जगह पॉसिबल वर्ड क्वेश्चन में पूछ लिया गया होता है कि पॉसिबल है, इफ रूट्स आर पॉसिबल देन फाइंड
देम। तो पॉसिबल का मतलब और एग्जिस्ट का मतलब एक ही है, जब रूट्स रियल होंगे तो एग्जिस्ट करेंगे, जब रूट रियल होंगे तो रूट्स वो है जो वो पॉसिबल है। अगर एग्जिस्ट की जगह पर पॉसिबल आ जाए तो भी आपने ये वाला मेथड लगाना है। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया, उन्होंने बोला था कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट है, कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और पॉसिबल है, तो मैं आगे रूट्स को फाइंड आउट करने लगी हूँ। अगर आपके पास आ जाए रूट्स आर नॉट रियल, यहाँ कोई नेगेटिव आंसर आ जाता तो आपने यहाँ लिख देना था डी लेस देन जीरो, रूट्स आर नॉट रियल, तो देयर फोर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपका सम यहीं खत्म हो जाता है। पर इस सम को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैंने आगे सॉल्व करना है, देयर फोर एक्स इक्वल टू, मैंने वही क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लिया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, तो इक्वल टू ये माइनस फॉर्मूले का, ये जो माइनस है ये बी की वैल्यू के साथ था माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आपने निकाली हुई है वन। यहाँ आप फॉर्मूला बी स्केयर माइनस फोर ए सी लगा सकते हो, पर बी स्केयर माइनस फोर ए सी की यही फार्मूला दोबारा यहाँ से लगाओगे तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वन ही आएगी। तो अगर हमने यहाँ तक सम निकाल लिया तो उसको सीधा ऐसे लगा लिया करो, सम थोड़ा ईजी हो जाता है। और नीचे 2 इंटू ए टू और उसकी वैल्यू क्या है ए की 3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बीच में प्लस माइनस का साइन, तो 1 का स्केयर रूट कितना होता है 1, नीचे क्या आ गया 6 इक्वल टू, अब दो साइन है बीच में तो दोनों साइन को अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार 5 प्लस 1 बाय 6 और दूसरी बार 5 माइनस 1 बाय 6, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 बाय 6 क्या बन जाएगा 6 बाय 6, तो इसकी कटिंग करके क्या आ गया 1, और यहाँ 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4, 4 बाय 6 इसकी कटिंग करके क्या आ गया 2 बाय 3। और x की दो वैल्यूज आएंगे, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो वैल्यूज आएंगी, पर मैंने साथ में यहाँ लिखा था डिफरेंट, ये देखो x की दोनों वैल्यू, एक वैल्यू आई है 1 और दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास 2 बाय 3, वैल्यू दो आई है पर दोनों क्या है डिफरेंट, ये क्या आ गया इसका आंसर। अब जैसे बच्चे मैंने यहाँ सम नंबर सेकंड ले लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ उन्होंने बोला है कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, क्योंकि उसके कितने टू रूट्स हैं पर कौन से हैं इक्वल। तो जब इक्वल रूट कब होते हैं, यहाँ मैं अगर ऊपर आ जाऊँ, जब डी की वैल्यू जीरो होती है तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, कि हमें यहाँ पहले अपनी स्टेटमेंट देखनी पड़ती है कि यहाँ रूट्स डिफरेंट दिए हुए हैं या रूट्स जो है इक्वल दिए गए होते हैं। मैं आगे इसकी बात करती हूँ कि यहाँ से आपको क्या समझ आएगी। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट जो है सम वो दे दिया, ये सम मैंने अपनी बुक का भी है और ये मैंने गैस पेपर से भी लिया हुआ है, ये जो हमें सम है ये पिछले लास्ट ईयर जो है हमें बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं आपको जो होमवर्क के लिए देते हैं वो भी ऐसे सम्स देते हैं जो कभी ना कभी बोर्ड के एग्जाम में आए होते हैं, इसलिए जो भी सम जो है वो होमवर्क के लिए देते हैं या जो एक्सरसाइज में सम देते हैं उनको जरूर सॉल्व करा करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि हम हमेशा वही काम करवा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके साथ के आपको इसलिए ज़्यादा सम दे देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे बच्चे यहाँ सम दिया हुआ है कि एक्स ब्रैकेट में है एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। सबसे पहले तो ये मेरे पास ऐसे देखूं तो ये क्वाड्रेटिक शो नहीं हो रही, तो पहले मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती हूँ, रूल के अकॉर्डिंग देखो इसको सॉल्व करके क्या आता है। के एक्स इन ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, के एक्स को एक्स के साथ करा तो के का के, एक्स को एक्स के साथ करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, के एक्स को टू के साथ करा तो टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं अगर इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ करती हूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा होता है वो क्या होता है ए, तो यहाँ मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई के, और एक्स के साथ जो नंबर लगा होता है वो क्या होता है बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का साइन भी है साथ में टू और के, और जिसके साथ कुछ नहीं लगा वो कॉन्स्टेंट टर्म सी इक्वल टू क्या आ गया सिक्स। अब मैं इसको सम को यहाँ लेके जा रही हूँ, तो यहाँ मेरे को पता है कि मेरे को क्या दिया हुआ है, टू इक्वल रूट्स या टू डिफरेंट रूट्स ऐसे दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में एकदम से जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है ये स्ट्राइक करना चाहिए कि डी की वैल्यू क्या हो तो हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं। तो
फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम डी निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। तो बी स्क्वेयर मतलब माइनस टू के का स्क्वेयर, बीच में माइनस का साइन, फोर ए की जगह पे के और सी की जगह पे क्या आ गया आपके पास सिक्स, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आना, तो यहाँ क्या आ गया सिक्स। अब माइनस टू के स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे माइनस टू इंटू माइनस टू फोर, तो के का स्क्वेयर के स्क्वेयर, माइनस फोर को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 24, साथ में क्या आ गया के। अब ये डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू किसके इक्वल आती है, तो जो रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट में जो मुझे दिया हुआ है कि रूट्स कैसे हैं वो लिखूंगी। गिवन दैट इक्वेशन, ये इक्वल का साइन डाल के एन का मतलब होता है इक्वेशन, गिवन दैट इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, ये मुझे उन्होंने स्टेटमेंट में दिया था, दे हैव टू इक्वल रूट्स, मैंने वो लाइन लिखी कि उन्होंने गिवन करा है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, देयर फॉर डी इक्वल टू जीरो, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं अगर डी की वैल्यू जीरो। तो मेरे पास सम के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू क्या आई है, देयर फॉर मैंने यहाँ लिख दिया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू जीरो, मैंने जो d की वैल्यू मेरी आई है सम के अकॉर्डिंग इसको जीरो के वैल्यू आगे जीरो के इक्वल कर दिया। अब यहाँ मैं देखूंगी कि कॉमन क्या निकल रहा है, या मेरे कोई फैक्टर बन रहे हैं, मैं k की वैल्यू निकालनी कैसे। यहाँ दोनों नंबर्स में से मेरा 4 कॉमन आ रहा है और k स्क्वायर और k में से मेरा k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया 4k बाहर आ गया, अंदर क्या बचा k, बीच में माइनस का साइन और 6 इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास ये दो फैक्टर बन गए, एक बन गया 4k और दूसरा फैक्टर बन गया k माइनस 6 इक्वल टू जीरो। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर देंगे, पहले मैंने 4k को जीरो के इक्वल करा तो k इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके जीरो के साथ डिवाइड हो गया तो 0 बाय 4 के आ गया 0। और दूसरी तरफ क्या था मेरे पास, k माइनस 6 इक्वल टू जीरो, ये 6 इधर माइनस का था तो दूसरी तरफ जाके k इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 6 हो गया। तो मेरे पास k की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो 0 और दूसरी के आगे मेरे पास 6। कई बार हमारे पास k की एक ही वैल्यू आती है, वो सम की सिचुएशन पे होता है कि हमें सम कैसे दिया गया होता है। ये ऐसे जो है के वाले सम करने हमने, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। अब इसके साथ का मैं होमवर्क दे देती हूँ। ये बच्चे 4.4 एक्सरसाइज के कुछ सम है और कुछ सम जो है वो मैंने गैस पेपर से लिए होते हैं, ये काफ़ी हमारे सम इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैंने वो सम लिए होते हैं जो कभी ना कभी हमारे बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट सम है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ये मैंने 5 सम्स लिए हैं। और साथ में जैसे मैंने सम नंबर सेकेंड लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ये मैंने 2 सम दिए, इनके 5 पार्ट्स दिए जो कि आपने अपनी फेयर कॉपीज पे करने हैं, प्लस जो सम्स मैंने वीडियो में सॉल्व करे हैं वो वाले सम्स भी आपने अपनी फेयर कॉपी पे सॉल्व करने हैं, और साथ में ये होमवर्क वाले सम भी। और जब आपको सम होमवर्क आपसे सेंड करने के लिए बोला जाता है तो आपने वो जो वीडियो में सॉल्व है वो वाले सम और प्लस जो होमवर्क के लिए आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो सारे सम्स आपने सॉल्व करके हमें सेंड करने होते हैं। अब जैसे इनके आंसर हैं, ये फर्स्ट सम का आंसर है, फर्स्ट सम के 5 पार्ट हैं, ये उनके 5 के आंसर दे दिए। ऐसे ही सम नंबर 2 के जैसे 5 पार्ट्स हैं, उनके भी साथ में मैंने आंसर दे दिए। और ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके स्टेटमेंट वाले 3 सम आएंगे और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना अगला चैप्टर करेंगे। ये सारा होमवर्क आपने अपनी फेयर कॉपी पे करना है।